भगवान जगन्नाथ की निकली सवारी। भगवान जगन्नाथ अब स्वस्थ हो चुके हैं और आज शनिवार को स्वस्थ होकर लक्ष्मण बाग मंदिर से सज धज कर शहरवासियों को दर्शन देने निकले। एक साल बाद अपने भक्तों को दर्शन देने प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित होकर शहर में दैदीप्यमान तर्ज पर दर्शन दे रहे थे। वहीं भगवान जगन्नाथ का स्वागत शहरवासियों ने उत्साह के साथ किया। उड़ीसा के पुरी से शुरू हुई यह रथ यात्रा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है और आस्था का सैलाब इस रथ यात्रा में रीवा में भी देखने को मिलता है। अपने विंध्य की राजधानी रीवा में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का 200 साल पुराना इतिहास है। महाराज वेंकटरमन के जमाने से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रचलन आज भी जीवांत है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पुरी की रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते वो अपने नगर की रथ यात्रा को पुरी की रथ यात्रा के प्रतीक के रूप में निकालते हैं और इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से पुरी के मंदिर में सभी लोग बैठकर एक साथ श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ भी महाप्रसाद का भोग लगने के साथ प्रसाद वितरण होता है। मान्यता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। पुराणों की मान्यता है कि जगन्नाथ जी का रथ खींचने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही रथ खींचने से एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और भौतिक प्रगति के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। रीवा में यह रथ यात्रा 2 दिवस चलेगी और भगवान जगन्नाथ जो शनिवार की रात्रि मानस भवन में विश्राम करेंगे। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का अपडेट जानने के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर अनिल त्रिपाठी के पास। अनिल, कैसी रही जगन्नाथ यात्रा? जी दिव्या जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज यहाँ लक्ष्मण बाग से निकल रही है। काफी लोग स्वागत के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और यह रथ यात्रा 2 दिन तक चलेगी। सबसे पहले लक्ष्मण बाग के पुजारियों ने यहाँ जगन्नाथ महाराज की पूजा अर्चना की और उन्हें स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया। साथ ही उनको नए वस्त्र पहनाए गए हैं। जिस प्रकार पुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए भीड़ उमड़ती है, उसी प्रकार रीवा में भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए भीड़ उमड़ रही है। शहर के विभिन्न मार्गों में भी रथयात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा, भगवान जगन्नाथ का रात्रि विश्राम मानस भवन रीवा में होगा।